एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित सलारपुर कला गांव पड़ा। लगभग 12,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान फहमीदा हैं। लगभग 4600 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 350 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खड़ंजे, सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 160 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी की टंकी, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम एहसान खां, पति प्रधान हूँ, सलारपुर ग्राम पंचायत सलारपुर कला का। मेरे यहाँ पर जितने जो धनराशि आई थी उतना मैंने जो है यहाँ पर कुछ सीसी टेल्स बिछवाई, कुछ खरंजा कराया, कुछ नाले कराए और कुछ नल रिवॉर्व हैं उन्हें भी कराया था और बाकी जो काम था। मेरा मुख्यमंत्री से गुजारिश है कम से कम मेरे यहाँ पर कम से कम आवास जो है, जो पात्र लोग हैं वो 150 आदमी कम से कम अभी विजय आवास और मिलने चाहिए। मेरे यहाँ पर जब 150 लोगों को आवास मिलेंगे, जो जिनके यहाँ पर जो बेचारों के जो छतें तक नहीं है, और मैंने पानी की टैंकी के लिए भी गुजारिश भी करी थी और पंचायत घर नहीं है मेरे यहाँ पर बना हुआ, पंचायत घर के लिए भी मैंने गुजारिश करी थी और स्कूल कम से कम मेरे यहाँ पर इंटर कॉलेज जो है इंटर कॉलेज तक मेरे यहाँ पर स्कूल होना चाहिए जी। इतनी बड़ी आबादी है, नहीं मेरे यहाँ पर कोई अभी किसी तरह का अस्पताल रात को 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। और परेशान हो जाते हैं। बाकी कम से कम मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर एक छोटा मोटा जो भी बने एक अस्पताल भी होना चाहिए जी। और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से मेरी जो गुजारिश है आवासों वाली, मेरे यहाँ पर बहुत लोग जो हैं इस तरह के बेचारे ज़्यादातर आदमी हैं और कुछ ही आदमियों की जो पेंशनें हैं, मैं चाहता हूँ 60 साल भी कम से कम मेरे यहाँ पर 2-4 आदमियों के होंगे, मैं चाहता हूँ 60 साल भी कम से कम मेरे यहाँ पर 200 आदमियों के बनने चाहिए जी। और 60 साल हैं जैसे भी और भी जैसे महिला कोई विधवा है बेचारी, उसके यहाँ पर कोई शादी करने के लिए कोई पैसे नहीं है, तो गुजारिश है मेरी उनसे भी कि कम से कम बेवा औरत को कम से कम सरकार जो है वो 50,000 रुपये देने चाहिए शादी के लिए, जो अपने बच्चे को जो है वो अपनी शादी कर दे। और जो बताया था कि 20,000 या 30,000 रुपये जो हैं जो मिलते हैं, बाकी कोई भी इस तरह की अभी जो है ना हमें पता भी चल रही है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई कराया है कि जावे है, तो वैसे ही हिसाब से जो है वो पूरा तरीके से प्रधान के हाथ में हो जाए तो उसकी गुजारिश होगी कि अपने यहाँ के व्यक्ति जो हो पैसे अपने वो दिवा दें।